अच्छा सर्जन हो माने ऑपरेशन पेन ना हो, ऐसा कौन सा सर्जन है उसको जो बीज लगे दे देंगे उसी से ऑपरेशन किया जाएगा, उन्हीं से करा जाएगा। तो खोजबीन के पता पड़ा कि दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हमारे बाबा जागेश्वर नाथ जी महाराज जी हैं, महाकालेश्वर भगवान ही हैं। कारण, अरे बोले महाराज, डॉक्टर का भी जैसे वकीलों का इतिहास देखा जाता है, कितने केस लड़े, किस केस में कैसे जीत दिला दी, कैसे बहस कर दी, वैसे डॉक्टर का भी तो इतिहास देखा जाता है कि उतने बड़े डॉक्टर हैं और इस प्रकार इसका ऑपरेशन कर दिया, वो बच गया, वही उनकी कमाई है, माउथ पब्लिसिटी। तो कहा कि महाराज सबसे बड़े सर्जन हैं भगवान शंकर, क्योंकि अपने बेटे के साथ भी उन्होंने यही ऑपरेशन किया था, गर्दन अलग हो गई थी धड़ से और दूसरा सिर जोड़ दिया लाकर के हाथी का, और आज तक सफल ऑपरेशन है और हेल्थ भी मतलब वजन वजन सब बिल्कुल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है बालाकुंड के, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबने कहा अब उन्हीं के पास चलना पड़ेगा क्या, जिनका अपमान कर दिया, जिनका अपमान कर दिया उन्हीं के पास चलना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है माताओं बंधुओं, कई बार ना जिससे हम बिगाड़ कर लेते हैं उसी से काम पड़ जाता है। कई बार ऐसा चक्र चलता है भगवान का कि जिससे मान लीजिए आपकी बातचीत बंद हो गई उसी से कोई ना कोई काम निकल आता है, तो बड़ा पछतावा होता है कि अरे मैंने क्यों झगड़ा कर लिया उससे, अभी होता तो मैं उससे करवा लेता काम। तो वही यहाँ हुआ कि महादेव से बिगाड़ कर ली, उन्हीं से काम पड़ गया। अब सारे देवता गए प्रभु के पास और प्रभु से जाके बोला कि प्रभु कल्याण करिए। तो भगवान ने तो भगवान तो कल्याणकारी है ही, उन्होंने कहा देखिए मैंने इनका वध कोई दंड देने के लिए नहीं किया, या मेरा अपमान हुआ तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया, मैं इस मान और अपमान की परंपरा से बहुत परे हूँ, किंतु समाज को उपदेश देने के लिए कि आगे से कोई ऐसा दंडनीय कार्य निंदनीय कार्य न करे, इसलिए इनको दंड दिया है। हाँ रही बात ऑपरेशन की, तो इनमें हम सिर जोड़ देंगे, जैसे उसमें हमारे बच्चे में हाथी का सिर जोड़ा, इनके में हम बकरे का सिर जोड़ देंगे। तो सबने कहा महाराज बकरे का सिर क्यों जोड़ रहे। तो भगवान ने कहा देखिए इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये जब तक जीवित रहे तब तक ये केवल मैं, जो बड़ा बुद्धिमान होता है ना, जिसे अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान होता है, वो यही कहता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं। तो कहा भाई ये जीवन भर मैं करते रहे तो आगे भी इनको मैं करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इनको हम मैं के अलावा कुछ इनको करना भी नहीं है, तो जब मैं ही मैं करना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त बकरे का ही है। एक कवि ने कहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस मैं को हटाइए अपने जीवन से, अपने अपने आचरण से मैं को हटाइए। यहाँ पे बाबा जागेश्वर नाथ जी के यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है 9 दिवसीय, आज तो द्वितीय दिवस है, मैं अभी अधिक किसी को पहचान भी नहीं पाया हूँ, भाई हम कल ही आए हैं, और फोन पर जितनी भी संपर्क सूत्र हो, चाहे वो हरि प्रसाद जी हो और चाहे हमारे सूबेदार जी हों ओंकार जी, किंतु एक बात आप समझ लीजिए, हम इनका नाम कल भी लिए आज भी लिए आगे भी यदि लेते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि यही लोग कोई कार्यक्रम करा रहे हैं, ये कोई केवल इनको माध्यम बनाया प्रभु ने पहले सूत्रधार। भगवान की कथा भगवान के यज्ञ धार्मिक आयोजन किसी एक ही बपौती नहीं होता, किसी का प्राइवेट काम नहीं होता है, वो सामाजिक कार्य होता है, वो संगठन से कार्य होता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब संगठन का कार्य होता है तो वैसे तो वो पीछे ही रहने में, वो दोनों मैंने देखा वो लोग बहुत नहीं किसी बात के लिए प्रयास करते, किंतु फिर भी मैं देख रहा हूँ कि चाहे तख्त उठाना हो और चाहे कुर्सी लगानी हो, भाई 50-60 की उम्र तो हो ही गई दोनों की, 60 से ऊपर होंगे, 65-50 की 60 की। कहने को जागेश्वर नाथ जी महाराज का इतना बड़ा संगठन है और इतने सब समिति से लोग जुड़े हुए हैं, केवल धन की सहायता कर देना ही कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया जिसने धन की सहायता कर दी हो। तो इस दुनिया में इस कलयुग में धन से जो काम हो जाए समझ जाइए बड़ी आसानी से काम हो गया,
तो ये धार्मिक आयोजन है। मैं इसका और भी आगे आप लोगों से निवेदन करता रहूंगा जो समिति के लोग हैं कि कुछ मैन पावर भी, कुछ युवा शक्ति भी आगे आए इस धार्मिक आयोजन में, एक दो ही चेहरे ना दिखे, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये बाबा जागेश्वर नाथ जी की समिति। यहाँ पे लिखा है आवेदक भी कौन है, निवेदक कौन है, भक्तगण जो बाबा जागेश्वर नाथ जी से जुड़े हैं। अच्छा, कोई फोन करके ये बताता नहीं है कि ये काम है और वो काम है, आ जाओ। ये तो आपको स्वयं, जो लोग हैं जो समिति से जुड़े उनको स्वयं खोजना है कि हमारे लायक क्या सेवा हो सकती है, क्या मदद हो सकती है। केवल केवल धन की मदद नहीं कह रहा हूँ मैं, तन मन की भी होती है। तो क्या होता है कि जब मैं, या तो भाई दो ही बातें होंगी, प्रथम या तो ये होगा कि इन दोनों से लोग चिढ़ते होंगे समिति के लोग, ये भी हो सकता है, भाई इनके तो यही अपनी चलाते हैं, अपनी किसी को सुनते नहीं, संभव होता तो लोग इससे थोड़ा सा नहीं सोच रहे। दूसरा दिन है, ये भी एक संभावना हो सकती है, हमसे कोई दुश्मनी ऐसा तो हो नहीं सकता भी। तो इसलिए माताओं बंधुओं जो लोग आए हैं, मैं उनको ये प्रेरणा दूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी 8 दिन की 7 दिन की जो कथा शेष है उसमें अपने मय को त्याग करके, अरे हमको तो बोला ही नहीं, मैं मेरा नाम तो होगा ही नहीं, अरे मैं वो बाबा सब जानते हैं। देखिए मैना ने मैं ना कही, मैना ने मैं ना कही, ग्राहक लागे 20 और बकरे ने मैं कही, तो तुरंत ही काटा शीश, तुरंत बकरे का धड़ से सिर अलग हो जाता है कि नहीं, और मैना करती है, मैं नहीं हूँ, तो उसको कितनी प्रियवाणी लगती है लोगों की। तो उस मैं को निकालिए, वरना यदि मैं को आपने नहीं निकाला ना, तो ध्यान दीजिएगा इस संसार में जो मैं करता है ना, आप समझ जाइएगा कि वह भी दक्ष प्रजापति के खानदान से कोई संबंध रखता है, और आगे जाकर के उसकी भी वही स्थिति बाबा करेंगे जो दक्ष की स्थिति हो रही है, कि भाई जग विदित दक्ष गति जोई, जस कछु शंभु विमुख कै होई, और यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सब जानते हैं दक्ष प्रजापति का क्या हुआ, इसलिए भगवान के कार्य में जितना आप लोग समय दे सकते हैं उतना समय देने का प्रयास करें, बार बार ये अवसर नहीं आते। अच्छा आप एक बात देखिए, माता सती ने जब देह त्यागा ना, तो देह त्यागते समय एक ही बात कही, प्रभु हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपकी परीक्षा ली और मैंने अपने पति देव की बात नहीं मानी। तो प्रभु मैंने तो पति देव की बात नहीं मानी, भक्त दुष्ट हो सकता है, भक्त के अंदर चपलता आ सकती है, भक्त के अंदर चंचलता आ सकती है, अरे भक्त के अंदर भूल भी तो आ सकती है, भूल भी हो सकती है मुझसे, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन भगवान कभी भक्त की बात को नहीं टालता है। मैंने मेरे भगवान की बात नहीं मानी, लेकिन आप इस भक्त की बात अवश्य रख लेना प्रभु। क्या बोलते हैं माता सती, कि सती मरत हरि सन बर मांगा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, किसी भी, यह शरीर तो किसी काम का नहीं रहा, जिस भी शरीर में मुझे जन्म देना, भगवान शंकर के चरण से कभी अलग मत करना, यही कारण था। देखिए दो कारण माता पार्वती के जन्म के, प्रथम तो माता सती का प्रभु से निवेदन, और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण कारण जान लीजिएगा भैया। माताओं बंधुओं, सती के पिताजी कौन है, दक्ष, और दक्ष की मैं चर्चा कर चुका, बड़े बुद्धिमान जो होते हैं, जिनको अपनी बुद्धि का बड़ा गर्व होता है, अभिमान होता है, तो बड़े बुद्धिमान जो अपने आप को समझते हैं, उनकी सबसे बड़ा दोष क्या होता है, ये कैसे हो गया, ये नहीं है और ऐसा नहीं है, अर्थात तर्क को तर्क करना, बुद्धि लगाना, हर जगह बुद्धि लगाना, ये बुद्धिमान लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और सदैव याद रखिएगा, आप
हर जगह बुद्धियां लगाई है, किंतु जहां पर श्रद्धा का विषय हो वहां पर बुद्धि कभी लगाने का प्रयास मत करिएगा। अर्थात आपने कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, श्रद्धा से सदैव कम होनी चाहिए। माने जब श्रद्धा और बुद्धि की बात आए तो बुद्धिमान बड़े हैं लेकिन उससे बड़े श्रद्धालु हैं, ये कहे कोई तो बात है। ये ना कहे कि श्रद्धा तो है लेकिन ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, फिर किस बात की श्रद्धा। तो क्या होगा माताओं बंधुओं, देखिए जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, माता सती को जहाँ श्रद्धा लगानी थी वहाँ बुद्धि लगा दी कि नहीं लगाई, आप बताइए। भाई कहा था कि ये प्रभु है, ये मेरे प्रभु हैं, महादेव ने कहा इन पर संदेह ना करो, ये लीला कर रहे हैं, जानकी जी को ढूंढते घूम रहे हैं लेकिन प्रभु है सब जानते हैं, प्रणाम करो। तो बुद्धि लगा दी उन्होंने, अरे ये कैसे नारायण हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकते, किया कि नहीं किया। तो जब बुद्धि लगा दी तो भगवान से दूर हो गए, भगवान से अलग हो गए बुद्धि लगाने के कारण। अब माताओं बंधु बहुत आप लोग इधर ध्यान दीजिए जो चल रहा है बहुत, मैं क्योंकि ये बहुत विचारणीय बात है ये प्रसंग। माता सती ने बुद्धि लगा दी तो बुद्धि लगानी थी जहाँ श्रद्धा लगाने के बजाय वहाँ बुद्धि लगा दी, तो भगवान के इतने सन्निकट थी, समीप थी। अरे भाई भगवान की धर्म पत्नी थी, इससे बड़ा और क्या संबंध होगा, लेकिन दूर हो गई कि नहीं हो गई प्रभु से बुद्धि लगाने के कारण। दूसरी तरफ माता पार्वती को देखिए, उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। गिरी जड़ सहज कहें सब लोगों, पर्वत तो सहजता में ही जड़ होता है, और जड़ का क्या अर्थ होता है, अरे जड़ माने करत करत अभ्यास से जड़ मति हो सुजान, हम लोग कहते ना मंद बुद्धि जड़ जिसमें कोई बुद्धि नहीं है। माता पार्वती में तनिक भी बुद्धि नहीं माताओं बंधुओं, लेकिन श्रद्धा कूट कूट के भरी हुई है उनमें। नारद जी ने एक बार कह दिया अभी हम चर्चा करेंगे, और उतने में वो सब भूल करके महादेव की तपस्या करने लग गए, इतनी श्रद्धा चाहिए। इसलिए माताओं को श्रद्धा का स्वरूप कहा गया है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, माता पार्वती को भी श्रद्धा स्वरूप कहा गया है। क्यों, बुद्धि नहीं लगाई केवल श्रद्धा, भगवान से दूर थी भगवान को पा गई। अर्थात यदि आप में बुद्धि होगी और श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान के पास रह के भी उनसे दूर हो जाएंगे, और यदि बुद्धि ना भी हो और श्रद्धा हो तो आप भगवान को एक ना एक दिन प्राप्त कर लेंगे। यही दर्शन कराना था प्रभु को, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तेहि कारण हेमगिरि ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। अरे जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तहां छाई, जहां तहां मुनिन सुआश्रम कीन्हे उचित वास हेम बोधर दीन्हे। संत आने लग गए रहने के लिए वहां पर, आश्रम बनने लग गए हिमालय में। सोह शैल गिरजा के आए जिमि जनु राम भगत के पाए। हिमालय ऐसा शोभायमान होने लग गया जैसे किसी व्यक्ति के अंदर भगवान की भक्ति उपज जाती है, राम भक्ति उपज जाती है, तो वो जैसा आकर्षक हो जाता है। तो वातावरण बंधुओं, माता पार्वती ने तो जन्म ले लिया, यह बात नारद जी महाराज को मालूम पड़ गई। तो जैसे ही नारद जी महाराज को मालूम पड़ी ना, तो उनको लगा चलो, मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि नारद जी महाराज के विषय में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नारद जी महाराज को हम लोग कई बार पत्रकार की उपमा देते हैं, कहे नारद जी है, और ठीक भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये बात नारद जी से कही है कि आपके रहते हुए हमें दीन दुनिया में क्या चल रहा है सब मालूम पड़ जाता है देवर्षि। तो ऐसा नहीं है, नारद जी महाराज सब जगह का समाचार भी रखते हैं और देते हैं, किंतु नारद जी महाराज को और आप अच्छे से ध्यान देंगे ना, तो आप यह नहीं समझ पाएंगे नारद जी महाराज के बारे में कि वो किस पार्टी में है, मतलब किसका सपोर्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भाई भाई सपा में है कि बसपा में है कि कांग्रेस में है कि बीजेपी में है कि आप में है कि और जो जितनी बने जाते, किस दल में है, कोई किसी दल में तो रहता है,
किसी में किसी का तो सपोर्टर किसके हैं वो ये नहीं पता पड़ेगा आपको। नारद जी महाराज को आप देखेंगे तो कैसे, अरे भैया वो कंस के यहाँ पे भी उतने ही सम्मान से चले जाते हैं, नारायण के यहाँ पे भी उतने ही सम्मान से चले जाते हैं, कुंभकर्ण से भी उतने ही प्रेम से मिल लेते हैं। आप बताइए हर राक्षस से उनका संबंध है, हर देवता से उनका संबंध है, किस तरफ है ये पता ही नहीं पड़ेगा, किंतु उनका किस तरफ से किसी पार्टी से लेना देना नहीं। उनका मुख्य सूत्र है जैसे होता है ना हम लोग विकास, देश का विकास, राष्ट्रवाद, ये सब बातें, उसी प्रकार उनका मूल मंत्र है वही जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये किन प्रकार बस यही उनकी अपनी पार्टी का एजेंडा है। कैसे, चाहे दुष्ट जीवात्मा हो कंस की तरह या रावण की तरह उसको परमात्मा से मिलाना, कुंभकर्ण की तरह या भक्त जीवात्मा हो ध्रुव भगवान की तरह, प्रहलाद जी महाराज की तरह या माता पार्वती की तरह, किसी प्रकार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, यही नारद जी महाराज का एक सूत्रीय कार्यक्रम है। तो यहाँ भी क्या हुआ, जैसे ही नारद जी महाराज को पता पड़ा ना तो समाचार नारद जब पाए कौतुक ही गिर के हंस धाए, पहुंच गए कौतुक में, किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, लेकिन अपना पहुंच गए। अब जब पहुंच गए वाह वाह बहुत बहुत प्रसन्न हो गए हिमालय और माता मैना भी अत्यंत गदगद हो गई, वाह देवर्षि जी आ गए, क्या बात है क्या बात है। अब पहले तो पाए पखराई हुई नारद जी महाराज की, और उसके बाद माताओं बंधुओं उसी जल से पूरे भवन को सींचा गया। ये सब प्रथाएं अब बंद हो रही हैं, पहले ये प्रथाएं थी, कोई संत आता था चरण सलिल सब भवन से चावा, सारे भवन में नारद जी महाराज के चरण से जो जल निकला था वो सिंचाया। हमारे यहाँ पहले ये होता था, संत महात्मा ब्राह्मण गुरु जी आते थे तो उनके जल से सब सिंचा जाता था, जिससे क्लेश हट जाए, पूरी बाधाएं हट जाए, ऐसी मान्यता थी हमारे यहाँ। अब धीरे धीरे सब देखिए मिट रहा है। तो नारद जी महाराज का सब सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद माता मैना नारद जी महाराज के पास गई, और माता मैना ने जाकर के क्या पूछा नारद जी महाराज से, जानते हैं, वही पूछा माताओं बंधुओं जो हमारी माताएं प्रायः संत महात्माओं से ब्राह्मण देवता से पूछा करती हैं। हमारी माताओं को 80% माताओं को मान लीजिए, उनको गीता भागवत रामचरित मानस इससे थोड़ा सा कम मतलब रहता है, अधिक मतलब किन प्रश्नों से रहता है संत महात्माओं को देख करके, अब भाई माताएं जानती होंगी कि संत महात्माओं को ब्राह्मणों को देख के सबसे अधिक उनको क्या लगता है, उनको लगता है महाराज अरे आप जन्म पत्रिका देखना जानते हैं क्या, आप हस्तरेखा देखना जानते हैं क्या, अरे महाराज बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज नौकरी नहीं लग रही लड़के की, महाराज बड़ी समस्या है, कुछ बता दीजिए, कुछ कल्याण का उपाय बता दीजिए, और महाराज अपना अपना बताते हैं उसी प्रकार से। तो माताओं बंधुओं, नारद जी महाराज को देख के माता मैना ने भी कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं किया गीता भागवत या कोई नारद भक्ति सूत्र का, तो क्या प्रश्न किया, तुरंत माता मैना ने माता पार्वती का हाथ आगे कर दिया नारद जी के, और बोले प्रभु अरे कुछ बताइए क्या है, क्या लिखा है मेरी बेटी के हाथ में, कि त्रिकाल के सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, अरे आपको तो सब मालूम है, हर जगह आप विचरण करते हैं, तो ऐसा करिए ना, निवेदन है कि कहो सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय बेचारी, जरा मेरी बेटी के दोष गुण तो बताइए कैसे हैं। मैं कई बार कहता हूँ देखिए कितनी सूत्र की बात है, रामचरितमानस की तो हर अर्धाली अपने आप में न जाने कितने अर्थ निकाल ले, कितने भाव निकाल ले माताओं बंधुओं, और मैं 9 दिन आपसे यह अवश्य निवेदन करूंगा, कल वो जज साहब हमारे प्रिय आए थे अंगद जी, उन्होंने भी वही बात कही कि रामचरितमानस को केवल मंदिर में रख करके पूजा करने का ग्रंथ अथवा अखंड रामायण का पाठ करवाने के ग्रंथ तक सीमित मत रखिएगा, अखंड रामायण का पाठ अवश्य आप कराएं,
पूजा अवश्य करें रामचरितमानस की, किंतु इसकी सार्थकता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो जिस कारण इसकी रचना हुई है, महादेव ने जिस प्रकार इसको लिखा है, इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ये आपके नित्य चर्या में, दिनचर्या में कैसे आपकी संवेदना, व्यवहार सब कुछ परिभाषित करती है। अब आप देखिए कैसे यहाँ क्या बोला माता मैया ने, बोले प्रभु कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। अरे महाराज पहले एक काम करिए, मेरी बेटी के दोष बता दीजिए फिर गुण बता दीजिए। भाई हमारे साथ भी क्या होता है, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, हमारे पास कोई आए और आकर के कहे कि एक अच्छा समाचार लाया हूँ और एक बुरा समाचार लाया हूँ, पहले क्या बताऊँ? तो 90% लोग कहेंगे कि पहले बुरा क्या हुआ है ये बताओ, बिगड़ा क्या है, अच्छा जो होगा सो तो होना ही होना है, बुरा क्या हुआ है ये बताओ। कुछ ही लोग होंगे जो कहेंगे कि अच्छा समाचार पहले बताओ, चिंता पहले होती है। उदाहरण के तौर पे भागवत की कथा है, अरे राजा नृग ने जब दान दिया और उसके बाद उनको श्राप मिला और यमराज ने आके पूछा कि पहले सुख भोगोगे कि दुख भोगोगे, तो क्या बोला उन्होंने, उन्होंने यही कहा ना कि पहले हमें दुख भगवा दो, गिरगिट बना दो, बाद में हम सुख भोग लेंगे। कहने का अर्थ है ये मानवीय प्रवृत्ति है, पहले बुरे की तरफ चिंता जाती है बाद में अच्छे की तरफ। यही बात माता मैना कह रही है, पहले दोष बताइए कन्या के फिर गुण बताइए। तो नारद जी ने सोचा अच्छा ये कहें और हम इनका काम करें, मतलब हम इनके कोई लगे हुए हैं, गुलाम हैं, इनके नौकर हैं हम, इन्होंने पहले कहा है कि दोष बताइए तो हम पहले दोष नहीं बताएंगे, हमें जो बताना होगा बताइए बताएंगे। देखिए वही हुआ, नारद जी से पूछा था दोष बताइए और नारद जी महाराज शुरू हो गए कहना, अरे देवी क्या बात है, वाह क्या सुंदर लिखा हुआ है, ये तो सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी, अरे सब लक्षण संपन्न कुमारी होई है संतत यही प्यारी। अब ये बताइए दोष है कि गुण है, गुण है ना, पूछा दोष था पहले, देख रहे हैं सदा चल यही कर अही बाता और यही तेजस पई है पितु माता होई है पूज सकल जग माही यही सेवत दुर्लभ कछु नाही, अरे यही कर नाम सुमिर संसारा किय चढ़ी है पतिव्रत असि धारा शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। वाह हिमालय क्या बात है, आपकी कन्या तो एक नंबर की सुलक्षणी है, सुलक्षणी क्या कहने हैं, लक्षण ही लक्षण है, सब सुलक्षणा है वो। तो माता पिता प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा वाह, उनके मन में बात आई कि देखो तो हमने इनसे पहले कहा था कि दोष बताइए फिर गुण बताइए और इन्होंने बता दिए गुण ही गुण। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी कन्या में कोई दोष ही नहीं है, भाई हमने तो पहले दोष कहा था, इन्होंने गुण बताए हैं तो दोष मिले होंगे ना, नहीं मिले तब तो गुण पे आ गए, अरे हमारी कन्या तो कितनी सुलक्षणा है कोई इसमें दोष नहीं है। और यही माता पिता घर की कर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यह हर घर घर की कहानी है, हर माता को अपना बच्चा लाखों में एक लगता है, स्नेह प्रेम वश, भाई 9 महीने गर्भ में रखा है तो लगेगा ही, पिता तो फिर भी थोड़ा सा नजर रख लेते हैं। लेकिन कल भी मैंने चर्चा की थी, स्कूल में बच्चों को मार पड़ने पे अब सजा होने लग गई है, टीचर जानते हैं कि बेचारे मार नहीं पा रहे बच्चों को, डांट नहीं पा रहे कुछ, और बच्चे टीचर बने हुए हैं, अब टीचर बच्चे बने हुए हैं स्कूल में, ये स्थिति आ गई कि नहीं आ गई। कहने का अर्थ है कि माता पिता आज के युग में वो भी 90% मान लीजिए, वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि मेरे बेटे में कोई दोष हो सकता है, मेरी बच्ची में कोई दोष हो सकता है। अरे अगर मेरा बच्चा बिगड़ा है तो पड़ोसी के बच्चे ने बिगाड़ा, ये भी तो हो सकता है कि आपके बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे को बिगाड़ दिया, ये नहीं हो सकता क्या? पहले के जमाने में मास्टर साहब को माता पिता कहा करते थे कि मास्टर साहब अगर बच्चा जरा सा भी गलती करे तो इसको इतना मारना और बिल्कुल हमारा लिहाज मत करना,
यह युग था। और आज के युग में माता पिता कहते हैं कि मास्टर साहब बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत आपने कैसे कर दी, फिर बच्चे को कैसे छू लिया आपने। ये युग का परिवर्तन आ गया है और उसका दंड युवा पीढ़ी भोग रही है। भोग रही भाई, लगा तो हमको आपको माता पिता को लगानी है ना। मैं ये नहीं कहता बहुत सख्त हो जाइए, किंतु इतने नियंत्रण तो रहे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इस पर नजर रहे कि नहीं रहे। और आज के युग में इस भौतिकवादी विकासशील युग में कि जब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, आप बताइए, मैं कोई विकास के भी विरोध में नहीं हूँ माताओं बंधुओं, विकास तो परम आवश्यक है, किंतु आपका बच्चा मोबाइल लेकर के क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसमें पूरा संसार है, अच्छा बुरा सब कुछ उस मोबाइल के अंदर भरा हुआ है। क्या उपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है, ये तो रखनी पड़ेगी ना नजर माताओं पिताओं को, ये नहीं रखनी पड़ेगी। तो इसलिए यदि यह सोच लेंगे यार कि मेरा बच्चा तो लाखों में एक है और मेरे बच्चे का कोई दोषी नहीं हो सकता कभी, तो आगे जाकर के आप ही को उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अभी आपके हाथ में बात है और वो कैसे होगा, ठीक, वो यही सत्संग की सभा में आकर के बच्चे भी समझेंगे और उसमें भी मुख्यतः श्री रामचरितमानस की कथा उसका पाठ करें, एक दोहा पढ़ाइए बच्चों को, कम से कम जब पढ़ रहे हैं नॉवेल पढ़ सकते हैं मोबाइल देख सकते हैं, तो क्या थोड़ी सी देर एक दोहा रामचरितमानस का नहीं पढ़ सकते क्या, अर्थ के साथ उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये प्रयास करना हमको आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या होता है, माता मैना और हिमालय जी से जैसे ही कहा, अरे आपकी बेटी तो सुलक्षणा है, दोनों गदगद हो गए, कोई दोष नहीं है, वाह। तब तक नारद जी ने कहा, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पूरी बात तो हमारी खत्म होने दीजिए। क्या बोले, अरे आगे हम ये कह रहे थे कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, अरे अरे सब कुछ है क्या, नहीं नहीं सुनो जे अब गुण दोई चारी, थोड़े बहुत अवगुण भी सुन लो, थोड़े दोष भी सुन लो, कि सब केवल आपके दुनिया में आप ही की बेटी है क्या, अरे कुछ गलती भी हो सकती है। और देखिए हमको यह बात स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि नो बडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं, जड़ चेतन गुण दोष में सब में गुण और दोष दोनों हैं, तो दोषों को यदि हम निखार दें, दोषों पे नियंत्रण कर लें तो गुण चमक जाएगा। कहा अवगुण भी सुन लो, तो माता मैना ने कहा क्या जी अवगुण है, कहा है किंतु बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, अर्थात घूम फिर के लग रहे हैं बेटी को, उसमें सीधे सीधे नहीं है। तो कहा क्या अवगुण है, बोले अवगुण ये है कि थोड़े बहुत है, क्या है, अब नारद जी कहते हैं देवी अगुण अमान मातु पितु ही ना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी एह कहम नहीं परी हस्त असिरेख। क्या बोला, देखिए कन्या में सीधे सीधे तो दोष नहीं है, लेकिन इनको जो पति देव मिलेगा ना, वो पति देव जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, कपड़े उपड़े तो पहनेंगे ही नहीं, नगन अमंगल वेश, देखते ही व्यक्ति डर जाए, अस स्वामी एह कहम नहीं परी हस्त असिरे। तो इतना सुनना था कि दोनों का माता पिता का, अरे भैया कोई भी संसार में होगा आप बताइए किसका मुंह नहीं लटक जाएगा, कौन दुखी नहीं हो जाएगा यह सुनकर के, क्या मेरी पुत्री के लिए इस प्रकार का संबंध मिलेगा। एक बात बताइए माताओं बंधुओं, आपके जब से, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, यहाँ कई लोग हैं जिनकी पुत्रियां हैं, जिनके विवाह हो चुके हैं, जिनके विवाह होने हैं, आप लोग सब बैठे हुए हैं, जब पुत्री घर में जन्म लेती है, गृह में जब गृह लक्ष्मी आती है, तो माता पिता के उस समय से ही भगवान से एक प्रार्थना अवश्य रहती है कि हे प्रभु मेरी कन्या को जो वर देना वो इस संसार का सबसे सुयोग सबसे सुशील, मेरी कन्या का देखभाल करने वाला जो परिवार ससुराल में मिले बहुत अच्छा मिले, ऐसा कोई देना ऐसा करना।
और मान लीजिए कि कोई आए, महाराज आए, कोई पंडित जी आए, उनको यही उनके लिए माताएं दिखाती हैं जब ज्योतिष की कन्या का क्या होगा, विवाह दिखाया ज्योतिष क्या होगा, तो उन्होंने मान लीजिए कह दिया कि भैया ऐसा ऐसा ये तो ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा मिलेगा, तो क्या बीतेगी उनके ऊपर, माता पिता के ऊपर कितना दुख होगा कि ऐसे के लिए ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बड़ा दुख हो गया। तो नारद जी महाराज से भी कहा कि प्रभु ऐसा है, कोई उपाय करो, ऐसी कन्या ऐसा वर हमको नहीं चाहिए, यही कहेंगे ना माताएं भी पंडित जी से महाराज जी से, अरे ऐसा है कोई उपाय करो, दोष इस दोष का निवारण करो, मंगल दोष का, काल सर्प दोष का, पितृ दोष का निवारण होता है कि नहीं, ऐसा कुछ करो कि योग मिट जाए हमारी बेटी के कुंडली से, कोई कुछ करा दो, कुछ उपाय जो खर्चा लगे ले लो, यही तो कहता है ना माता पिता अंत तो गत्वा। तो कहा ऐसा ऐसा कर दीजिए। नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं है इस दोष को मिटाने का, मिलेगा तो ऐसा ही वर। तो कहा क्या, इसका मतलब मेरी कन्या के लिए कोई उपाय नहीं। नारद जी कहते हैं कह मुनि हेमवंत सुनो, अरे जो विधि लिखा ललाट, इस ललाट पे जो लिख दिया है ना विधाता ने माताओं बंधुओं, वो देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के लिखे हुए, ब्रह्मा के लिखे हुए को मिटा दे। तो